हेलो एवरीवन, सो आज हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी, लाइक इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। नॉर्मली जो हमारा प्रोग्राम होता है वो सिक्वेंशियल वे में रन करता है, मींस टॉप टू बॉटम की तरफ। मींस अगर पहली लाइन में प्रिंट ए लिखा है तो ए की वैल्यू प्रिंट होगी, अगर सेकंड लाइन में प्रिंट बी लिखा है तो फिर बी की वैल्यू प्रिंट होगी। तो जो ऊपर लिखा है वो पहले एग्जीक्यूट होंगे, जो नीचे लिखे हैं वो बाद में एग्जीक्यूट होंगे। तो इसको हम कहते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल। बट आप कंट्रोल स्टेटमेंट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इस फ्लो ऑफ कंट्रोल को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला केस आता है आपका, वो होता है आपका इफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगी, कोई कंडीशन दी हुई होगी और उस कंडीशन के ट्रू होने पर इसके रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट होगा वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। बट अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो उसके लिए यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, सीधा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ ट्रू वाले केस में ही कोई पर्टिकुलर रिजल्ट प्रिंट होगा, फॉल्स के लिए कोई पर्टिकुलर केस यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो इसका सिंटैक्स क्या है लिखने का, पहले आपको इफ कंडीशन ब्रैकेट में आएगा, कंडीशन मींस ए ग्रेटर देन बी, या फिर आपका हो सकता है एन मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है कंडीशन। अब इसके नीचे आएगी एक स्टेटमेंट, अगर आपकी इफ कंडीशन ट्रू होती है तो अगर आप सिर्फ एक स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे तो आप डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं इफ के नीचे, राइट। बट अगर आपको इफ के अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट्स प्रिंट करानी हैं तो आपको उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, राइट। तो अगर आपके आपको इफ कंडीशन के अंदर एक ही स्टेटमेंट प्रिंट करानी है तो आप उसको विदाउट कर्ली ब्रेसेस लिख सकते हैं। बट अगर आपको इफ के अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट्स प्रिंट करानी है, एक से ज़्यादा, तो आपको उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना पड़ेगा, राइट। तो इसका हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पे कमेंट ऐड करेंगे इफ एग्जाम्पल, एंड आफ्टर दैट वी विल ऐड अवर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश इंक्लूड एंड अवर हेडर फाइल एंड देन मेन फंक्शन। एंड इसके बाद आप एक एन इंटीजर ले लेंगे और यूज़र को हिंट देंगे कि एंटर एनी नंबर, मीन्स एन की वैल्यू कौन एंटर करेगा, यूज़र विद द हेल्प ऑफ स्कैन एफ फंक्शन। तो यहाँ पे हम प्रिंट एफ के थ्रू हम यूज़र को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं एंटर एनी नंबर, और स्कैन एफ की हेल्प से क्या करेगा, यूज़र यहाँ पे एक नंबर एंटर करेगा, राइट। अब हम इसके बाद यहाँ पे कंडीशन लिख रहे हैं कि इफ़ एन इज इक्वल टू 1 कंपैरिजन ऑपरेटर, अगर एन की वैल्यू 1 होती है, नाइन्थ लाइन के अंदर क्या लिखा है, प्रिंट इनसाइड इफ ब्लॉक, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। तो अगर एट्थ लाइन के अकॉर्डिंग अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो ही आपका जो टेंथ लाइन में स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा, अदरवाइज प्रिंट नहीं होगा। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, इसके बाद देन वी विल कंपाइल एंड रन द प्रोग्राम। सो अगर हमने 1 प्रेस किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है इनसाइड इफ ब्लॉक, मींस इनसाइड इफ ब्लॉक किसके अंदर था, इफ कंडीशन के अंदर। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू है इसलिए प्रिंट हुआ है। अब हम कोई और नंबर यहाँ पे एंटर करा के देखते हैं, तो अगर हम सपोज़ यहाँ पे एंटर कराते हैं 2, राइट, तो यहाँ पे देखो कुछ भी यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा है, ओके। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए अब हम एक नया केस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नाउ जो हमारी प्रॉब्लम थी इफ स्टेटमेंट में कि फॉल्स वाले केस के लिए कुछ भी वहाँ पे प्रिंट नहीं होता था, तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट से। ये जो इफ एल्स स्टेटमेंट है, तो इफ का मतलब अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो कोई एक स्टेटमेंट प्रिंट होगी, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो उसके लिए भी कोई स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट होगी। मीन्स जैसे आप इवन ऑड का प्रोग्राम बनाते थे तो उसमें आप यहाँ पे लिख देते थे एन मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, तो ट्रू होगा तो यहाँ पे इवन प्रिंट होगा, और अगर फॉल्स होता है तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, ऑड। तो यहाँ पे फॉल्स वाले केस के लिए भी आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। तो इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। सो सबसे पहले आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई होगी,
तो कंडीशन क्या होगी, या तो ट्रू या तो फिर फॉल्स, दोनों एक टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो कंडीशन ट्रू है तो इसके साथ वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। बट अगर कंडीशन क्या है आपकी फॉल्स है, बट कंडीशन आपकी फॉल्स है तो इसके रिलेटेड स्टेटमेंट प्रिंट होंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो भी हैं वो आपके एग्जीक्यूट होंगे। इस तरह से ये रन करेगा। और इसको लिखने का तरीका है आपका, इफ़ कंडीशन अगर एक स्टेटमेंट है तो आप विदाउट कर्ली ब्रेसेस लिख सकते हैं, एल्स स्टेटमेंट टू, इस तरह से। और अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो सेम वे में हम यहाँ पे भी करेंगे, इफ़ ये स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री, कितने भी स्टेटमेंट हो सकती हैं बट विद इन कर्ली ब्रेसेस। और एल्स वाले केस में भी आप क्या करेंगे, एल्स, अब यहाँ पे भी आप कर्ली ब्रेसेस लगा के यहाँ पे कितनी भी सारी स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसका प्रोग्राम हम फिर से देख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल अपने उसी प्रोग्राम में इफ़ के नीचे एक फॉल्स कंडीशन के लिए भी एक नया ब्लॉक जनरेट करेंगे जिसका नाम होगा एल्स ब्लॉक, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ई एल एस ई, एल्स, और ये जो कर्ली ब्रेसेस है ये रिप्रेजेंट करेंगे कि ये इसका ब्लॉक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इनसाइड एल्स ब्लॉक, और ये हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो नाइन्थ से लेकर इलेवेंथ लाइन तक तो इफ ब्लॉक है, 13 से लेकर 15th लाइन तक वाला है आपका एल्स ब्लॉक। इट मीन्स 13 से लेकर 15th तक लाइन वाला पार्ट जो है वो तभी एग्जीक्यूट होगा अगर आपका एल्स पार्ट क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। और यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज़ है, इंट, इफ, एल्स, ये बिल्कुल ब्लैक और बोल्ड कलर में है, ये सारे की वर्ड्स हैं आपके, इसलिए इस तरह से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे ट्रू होगा तो एट्थ लाइन वाला केस एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो 12th लाइन वाला केस क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। सो लेट मी कंपाइल एंड रन दिस प्रोग्राम। सो यहाँ पे सपोज हम एक वैल्यू एंटर कर लेते हैं, सो वन मैं यहाँ पे एंटर कर रही हूँ, तो यहाँ पे आ गया मेरा इनसाइड इफ ब्लॉक। अब यहाँ पे हम दूसरा कोई वैल्यू डाल के देखते हैं एक बार, से यहाँ पे हम डाल रहे हैं टू, तो यहाँ पे आ चुका है आपका इनसाइड एल्स ब्लॉक। तो इसका मतलब है यहाँ पे आप वन के अलावा कोई भी वैल्यू अगर डालेंगे तो आप कहाँ चले जाएंगे, इनसाइड एल्स ब्लॉक, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।